दिवाली आ रही है और ये गरीब लोग, ये हमारे पापा की उम्र के भैया है, ये हमारे पापा की उम्र के भैया है। पापा के उम्र के भैया क्या बात कर रहे हैं? दिवाली और दीप का बराबर का आंकड़ा है। दीप के बिना दिवाली का इमेजिंग करना ऐसा लगता है जैसे नए साल में दोस्त के बिना पार्टी करना। पर आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पे क्रिंज, छपरी और कंटेंट के भूखे क्रिएटर के बारे में, जिसके कारण सोशल मीडिया टट्टी कहलाती है। अपने आप को असली हिंदू मानते हो ना? इस वीडियो को इतना शेयर करना तुम्हें श्री राम जी की कसम है। हमारे शिवलिंग का मजाक उड़ाया है। ये वही बात हो गई, सारे मैच हारने के बाद ट्रॉफी मिल गया हो, काहे ओवर एक्टिंग करने का ठीका ले रखे हो जोगिंदर भाई? जब पता है कि अर्जुन कपूर और बाकी नेपोटिज्म वाले ओवर एक्टिंग करने में लगे हुए हैं, तो तुम काहे इन लोगों को कंपटीशन किए जा रहे हो? नहीं मिलेगा एंट्री, नहीं हो पाएगा तुमसे एक्टिंग। एक बार में बोल दो ना कि मैं रोने की एक्टिंग कर रहा हूं, तुम लोग फॉलो कर देना, तुमसे अच्छा तो ये रोने की एक्टिंग कर लेता है। कम से कम कंटेंट के नाम पे वीडियो तो बनाता है, ये बना के कमेंट सेक्शन में पिन क्या कर रहे हो? डायरेक्ट खुद से कमेंट करके पिन क्यों नहीं कर देते? मुझे फॉलो करो नहीं तो कसम दे दूंगा। ऐसे इन लोगों की वजह से सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करने का मतलब है मानो चिड़िया घर में जाकर छुछुंदर से मोटिवेट होना। गरीबी इतनी गंदी होती है, अपना बच्चों का पेट पालने के लिए 40 साल का आदमी यहाँ पर 100-150 रुपए कमाने के चक्कर में पूरे दिन यहाँ पर बैठता है और कोई इनसे माल नहीं खरीदता। क्या 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 चक्कर में पूरे दिन यहाँ पर बैठता है और कोई इनसे माल नहीं खरीदता। ये क्या बोले जा रहे हो जोगिंदर भाई? ऑलरेडी झूठ बोलना तुम्हें आता नहीं है, धर्म को बिजनेस बना लिए हो, हेल्प के नाम पे कंटेंट बना के दिखावा करते हो, ये कबूतर के दाने बेच के पैसा कमा रहे हैं तो तुम इन्हें डिस्टर्ब क्यों किए जा रहे हो? माल बोल के पुलिस का कान क्यों खड़ा किए जा रहे हो? लोग गलत समझ लेंगे, पता है समझदारी तुम्हारे समझ से ऊपर है और जानकारी वो तुम्हारी जिंदगी के सिलेबस में है ही नहीं है। कुछ नहीं तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये तो सीख लो जोगिंदर भाई। कहीं ऐसा न हो कि वीडियो बनाने के चक्कर में तुम्हें थप्पड़ मारता हुआ तुम्हारा वीडियो बन जाए। सही और अच्छा से नहीं बोल सकते तो कम से कम एनिमल मूवी में बॉबी देओल की तरह एक्टिंग ना सही, ओवर एक्टिंग कर लेते, शायद लोगों को पसंद आ जाए। आज के टाइम में ना कोई किसी की तरक्की देख के खुश नहीं है। देख रहे हो ये स्टूडियो मैंने मेहनत से बनाया था, एक एक रुपया जोड़ के, और कोई चुरा के ले गया सारा सामान मेरी 3 साल की। जोगिंदर भाई तरक्की देखकर आज कल लोगों को खुश रहने और खुश नहीं रहने का कोई समय नहीं है, सब दिख रहा है। जब कंटेंट के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाने का मन बना लिए हो तो कोई क्या ही कुछ बोल सकता है। जोगिंदर भाई बोला था खुद का कंटेंट बनाया करो, भी लोगों को वीडियो में पकड़ के लाना, कब छोड़ोगे? थोड़े व्यू और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर पाने के लिए भगवान की कसम देना बंद कर दे भाई। मदद करना अच्छी बात है, लोगों की समस्या को समझना अच्छी बात है, लोगों को खिलाना अच्छी बात है, लोगों को पैसे देकर हेल्प करना वो भी अच्छी बात है, पर वीडियो बना के वीडियो में ओवर एक्टिंग करके और वीडियो शेयर करने के लिए भगवान की कसम देना ये कहां से अच्छी बात है? क्रिएटर हो कंटेंट बनाओ, ऐसी हरकतें करते रहे तो लोग स्कैमर और फ्रॉड नाम देके कमेंट सेक्शन में आशीर्वाद नामक गाली देंगे और सोशल मीडिया पे बेइज्जती करेंगे। अरे जोगिंदर भाई इतना पैसा कहां से ला रहे हो जो गरीबों की मदद कर रहे हो? यहां तो घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। प्लेटफॉर्म जहां पर बहुत सारे गेम है 1000 से ज्यादा जहां पर तुम खेलकर पैसा कमा सकते हो, जैसे भाई कैसीनो, अंदर बार, 3 पत्ती, फुटबॉल, टेनिस, बहुत ज्यादा। तो यहाँ से मिल रहा है फॉलोअर बढ़ाने का प्रेशर, जितना ज्यादा फॉलोअर उतना ही ज्यादा प्रमोट करने का पैसा। पहले लोगों को कसम देके फॉलो करवा लो, उसके बाद लोगों को जुआ खेलने के लिए मोटिवेट करो। ये बनेंगे इन्फ्लुएंसर, ये बनेंगे समाज सुधारक, ये करेंगे राह चलते लोगों को मदद और सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करने वाले लोगों को सिखाएंगे वीडियो शेयर करना और जुआ खेलना। तभी मैं कहूँ कि वीडियो को शेयर करवा के कमेंट सेक्शन में फॉलो करने का पिन करके लोगों को बेवकूफ बना के खुद को समाज सेवक बता के व्यू, लाइक और फॉलो बढ़ाने का क्या मस्त देखने का अपनाया है जोगिंदर भाई ने। देख रहे हो ये स्टूडियो मैंने मेहनत से बनाया था, एक एक रुपया जोड़ के, और कोई चुरा के ले गया सारा सामान मेरी 3 साल की मेहनत एक दिन में खराब कर दी। देखो ये मेरी रोजी रोटी सब तोड़ दिया, और सबसे पता है बड़ी बात क्या है, जिस चीज के लिए मैंने जी जान मेहनत की थी ना, ये मेरा गोल्डन प्ले बटन सब तोड़ दिया इधर उधर के।
सब। ये वही बात हुई कि पढ़ के गए ज्योग्राफी और आ गया ज्योमेट्री। ऐसा करो, एक जेसीबी घर के अंदर क्यों नहीं दिखा दिया, लोगों को और सही से समझ आएगा। गेट और गेट बंद करने में लगने वाले लॉक पे भी एक एक पैसा लगाना होता है। ये प्ले बटन तोड़ दिया, ये टूटा हुआ है। जानकारी और समझदारी दोनों इसके औकात से बाहर है, ये समझ में आता है। अब क्या नजर भी कमजोर पड़ने लगा है? देखा, कसम दे के फॉलोअर बढ़ा के जुआ का प्रमोट करने का नतीजा, बेईमानी से लोगों को ठग के पैसा कमाओगे तो यही होगा। पता है पूरे वीडियो में एक्टिंग करने की पूरी कोशिश करी है तुमने, पर जोगिंदर भाई ये कुछ ज्यादा हो गया। इमोशनल नहीं, ओवर एक्टिंग है ये। टिकटॉक बदल के रील बन गया, ये टिकटॉकर बदल के फ्रॉड बन गया है। बहुत से लोग है ना मोदी जी के बारे में गलत सोच रहे हैं कि मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया की टीम की बहुत गंदी डिसरिस्पेक्ट किया है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देने के बाद उनके कैप्टन से बात नहीं की और इनको इग्नोर करके वहां से निकल गए और ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन उनको खड़े खड़े देखते रहे। बट 2006 के अंदर इन लोगों ने हमारे देश के वरिष्ठ जाओ पहले वर्ल्ड कप फाइनल देख के आ जाओ, ये बनेंगे इन्फ्लुएंसर, ये करेंगे लोगों को जागरूक, ये बताएंगे सिखाएंगे अच्छे कर्म करना। जोगिंदर भाई वीडियो बनाने के साथ डिस्क्लेमर लगा दिया करो, मैं फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये सब करता हूँ, वो भी झूठ बोल के। अधूरा ज्ञान लेके विद्यासागर मत बना करो, अगर 5वीं क्लास पढ़ लिए होते तो ऐसी हरकतें नहीं कर रहे होते। पूरा वीडियो देखने के बाद ही रिएक्शन दिया करो, ऐसे फालतू का कंट्रोवर्सी बनाना ये चप्पल चोर वाला दिमाग मत लगाया करो। इस विद्युत जामवाल को सजा मिलनी चाहिए। अगर तुम लोग असली हिंदू हो ना, श्री राम जी के भक्त हो, वीडियो इतनी शेयर करना ताकि सरकार तक पहुंचे। और इस जोगिंदर को सजा के साथ मुजरा करवाना चाहिए। भगवान के कसम दिला के वीडियो शेयर करवा के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बहुत गलत तरीका है। वीडियो शेयर करवा के फॉलोअर बनाने का तरीका जोगिंदर भाई, बहुत बुरे पीटे जाओगे। समय के साथ ऑडियंस भी मेच्योर होते जा रही है, ऐसे ही कंटेंट के नाम पे कुछ भी मत बनाया करो। बात रही वीडियो की, तो वीडियो में किसी भी धर्म के लोगों को उसके भगवान के प्रति कसम देकर वीडियो को शेयर करवाना, फॉलो करवाना, ये कहां का सही है? इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसी हरकतें मत करो, कंटेंट अच्छे बनाओ, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को। तो वीडियो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।